$4 trillion सर, इस साल हमने $4 trillion की वैल्यू को क्रॉस किया, अब हम वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन गए हैं। 2023 को इसका शुक्रिया करो, ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा था। हाँ सर, बट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर को देख के लगा नहीं था कि हम इतना रिटर्न दे पाएंगे, बट फिर RBI के इंटरेस्ट रेट हाइक को पॉज करना, फिर सेबी के T+1 डे के सेटलमेंट का अनाउंसमेंट, और वो IPO सेबी की T+2 डे की लिस्टिंग अनाउंसमेंट। हाँ, और ये IPOs रिकॉर्डेड 173 SMEs IPOs और 56 मेन बोर्ड लिस्टिंग्स हुई हैं। हाँ, इस बार $15 billion की फॉरेन इन्वेस्टमेंट और $20 billion से ज्यादा डोमेस्टिक फंड्स भी आए हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स ने तो ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया इस साल। तो अदानी ने धोखा दे दिया, वरना रिटर्न्स और भी अच्छे होते। भाई टाटा ने इस बार भी हाथ नहीं छोड़ा, टाटा मोटर्स 87% और ये NTPC ने 82% का रिटर्न दिया है। हाँ, ये बात तो है सर, बट डिफेंस और रेलवे जैसे स्टॉक्स ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। HAL एंड मैसगॉन डॉक जैसे स्टॉक्स ने 150% का ग्रोथ, और RVNL और IRFC जैसे स्टॉक्स ने 200% का ग्रोथ दिया है। हाँ, इसीलिए तो बोलता हूँ लोगों को, गवर्नमेंट पर नहीं, गवर्नमेंट के फैसलों पर ध्यान दो। इस गवर्नमेंट से याद है कि 2024 में हमारा क्या होगा? इस बार तो जनरल इलेक्शन है, तो बजट भी दो बार अनाउंस होगी। हाँ, इससे हम थोड़े वॉलेटाइल जरूर हो जाएंगे, बट सर बीजेपी आई तो ठीक है, बट कांग्रेस आई तब तो हम तो गए। लगता तुम भी आज तक देखने वाले हो। हम किसी सरकार के मोहताज नहीं है, ग्रो करना हमारा नेचर है, बस ग्रो करने का हमारा सेक्टर अलग होता है। देखो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिफेंस, एरोस्पेस ये अच्छा परफॉर्म करती है। बट वहीं यूपीए की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो IT इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, एग्री बिजनेस, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर्स हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखो। हाँ, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, बट ये मार्केट हमेशा ग्रो करेगा।